कोई खेल में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, किसी को क्विजिंग अच्छी लगती है, तो सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर किस्म के इंसान से ही दुनिया बड़ी बनती है। अगर रक्षित जैसा ना हो तो शायद हमारी दुनिया में इंटेलिजेंस और अच्छी चीजें जो ऐजाद हो वो ना हो। सो रक्षित, माय वोट फॉर यू मैन, रियली गुड। 6,40,000 रुपीज। दसवां सवाल है, एक लाइफ लाइन बाकी है और आई होप यू गेट दिस, ये सेकेंड पड़ाव है जी। एंड मिस्टर कंप्यूटर, दसवां सवाल पेश किया जाए। इनमें से कौन अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा का नाम है? ए डाक टिकट, बी रसीदी टिकट, सी पोस्टकार्ड, डी खाली लिफाफा। कुछ आइडिया? नाम सुना हुआ इनमें से कोई किताब का? अमृता प्रीतम्स नेम आई हैव हर्ड, ओके, बट उनके उनकी वर्क्स आई हैव नॉट रेड। लेकिन जो टाइटल्स दिए हैं जो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल, उसमें से कोई नाम सुना हुआ? इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तुम? She used to write in Punjabi basically. Punjabi भी तो बोल दे तुसी। Okay, I'll use my phone a friend lifeline. Phone a friend lifeline करना चाहोगे इस्तेमाल? जी। Okay. कौन से दोस्त को फोन करना चाहोगे? My twin brother. आपके twin brother? क्या नाम है उनका? रजत। रजत, ओके। तो दिखते हैं आपकी तरह या आइडेंटिकल नहीं? ही इज 2 इंचेस टॉलर देन मी। 2 इंचेस टॉलर जी, ओके। आपकी तरह वो भी खाते वाते जी, आराम से। ऑल सेट देन, कोई बात नहीं, मैं रजत को फोन करता हूँ। मिस्टर कंप्यूटर, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे रक्षित, उनके भाई रजत को प्लीज फोन लगा दीजिए। एयरटेल की धुन बजाइए। तो तुम्हें भी आती है वो धुन? क्यों लगता है उन्हें मालूम होगा? हेलो, हेलो रजत। यस हाय, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ केबीसी से। हेलो सर, हाउ आर यू? यस आई एम फाइन सर। अच्छा, इट्स अ प्रिविलेज टू टॉक टू यू सर। इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू टू रजत। तुम्हें मालूम है कि रक्षित मेरे साथ केबीसी खेल रहे हैं इस वक्त? वंडरफुल वंडरफुल, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बीच में एक सवाल पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आई थिंक इज द बेस्ट कंटेस्टेंट जो मेरे साथ खेले हैं कभी अभी तक। ग्रेट। और 6,40,000 रुपए का सवाल उनके सामने है, थोड़ा सा उस पर अटक गए हैं, तुम उनकी मदद करोगे? जो सर। तुमने अपनी पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट में की है? सर, आई हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड इन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन? मैंने भी मास कम्युनिकेशन किया था जामिया से। यस सर। हाँ, लेकिन मुझे पहले निकाल दिया था, खत्म नहीं करने दिया था। तो मैं एक्टर बन गया। ओके, अभी जो है रक्षित तुमसे बात करेंगे, सवाल पूछेंगे, 30 सेकंड हैं तुम दोनों के पास जी। तो क्लियरली सवाल सुनना और चार चॉइसेस के बाद उन्हें जवाब देने में मदद करना। ओके, रजत एंड रक्षित ट्विंस, आप दोनों का वक्त शुरू होता है नाउ। विच ऑफ दीज इज द टाइटल ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय अमृता प्रीतम? ए डाक टिकट, बी रसीदी टिकट, सी पोस्ट कार्ड, डी खाली लिफाफा। रसीदी टिकट। शो हाँ, यस। पक्का? पक्का। रसीदी टिकट। ओके, बाय। थैंक यू रजत। तो बड़े शोर थे, बी रसीदी टिकट। ही हैज एन इंटरेस्ट इन पंजाबी लिटरेचर एंड द पंजाबी लैंग्वेज। ओह, पंजाबी लिटरेचर में इंटरेस्ट है उनका, तो फिर तो बड़े ऐप थे जिनसे पूछा गया ये। लेट्स सी इफ इट कम्स आउट टू बी करेक्ट। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इंटरेस्ट के आंसर तुम्हें मालूम है, तुम्हारे भाई के इंटरेस्ट के आंसर से नहीं मालूम होंगे? नहीं, वी आर द सेम एक्चुअली, उसको भी जीके में काफी इंटरेस्ट है। मतलब तुम दोनों मिल जाओ तो दुनिया हिला दो। ओके, आई विल गो विद बी रसीदी टिकट। बी रसीदी टिकट, मिस्टर कंप्यूटर, बी रसीदी टिकट, फ्रीज इट प्लीज। मैं तुम दोनों भाइयों के लिए सलाम करता हूं और मुंह फिर से मीठा करो, बी रसीदी टिकट इज द राइट आंसर।
640,000 रुपए का चेक मैं जल्दी से तुम्हारे लिए साइन करता हूँ और फटाफट खेलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम बहुत सारे पैसे यहाँ से जीत कर जाओ। डैडी मम्मी गुस्सा हो रहे हैं कि इतनी मिठाई खिला रहा हूँ, लेकिन क्या करे, मौका ही इतना अच्छा है। होली है, रक्षित और रजत ट्विंस दोनों मिलजुल कर इतने अच्छे जवाब दे रहे हैं। देखो 640,000 रुपए तुम्हारा नाम है इस पर, मेरा नाम है, तुम रख सकते हो इसको, लेकिन मैं रखता हूँ कि इससे भी ज्यादा का चेक तुम्हें दूंगा। क्या करोगे इस पैसे का? इन्वेस्ट फॉर माई फ्यूचर। और किताबें खरीदोगे? इंटरनेट पर ब्रॉडबैंड ले आओगे? क्या इन्वेस्ट करोगे? और पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? Recently, मुझे आई वांट टू डू अ जॉब। जॉब करना चाहते हो? जी, और मेरी ऑल टाइम ड्रीम यही है, मुझे दुनिया घूमनी है। दुनिया घूमनी है, थोड़ा बहुत इस पैसों से मदद आएगी? लेट्स सी। मैंने अभी भी पता किया है, हमारे ट्रैवल एजेंट बता रहे हैं कि अलास्का जा सकते हैं विद्या बालन के साथ, 2 टिकट फर्स्ट क्लास लेकर 640,000 रुपए में। इतने कम नहीं है। मैं 11वां सवाल करता हूं तुमसे 12,50,000 रुपए के लिए। प्लेइंग फैंटास्टिकली रक्षित घाई फ्रॉम बड़ौदा, माय बेस्ट कंटेस्टेंट। ओके, 11वां सवाल मिस्टर कंप्यूटर पेश किया जाए। इनमें से किस एशियाई देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी चाइना, डी बांग्लादेश। मैप्स में दिलचस्पी है तुम्हारी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 25 डिग्री लैटिट्यूड। इंडिया में इट पासेस थ्रू गुजरात, डज पास थ्रू चाइना, पास थ्रू। क्या सोच रहे? आई थिंक इट इज बी पाकिस्तान। क्या करूं? ओके, बी पाकिस्तान। फ्रीज इट। यस। 12,50,000 रुपए के लिए कॉम्पैक्ट पाजी, बी पाकिस्तान। फ्रीज इट प्लीज। मिनिमम तुम यहां से 640,000 रुपए तो लेकर जाओगे ही, एंड बहुत बहुत अच्छा खेले तुम। आई थिंक पहली बार तुमने थोड़ा सा चांस लिया जो तुम्हें कंफ्यूजन में था, अदरवाइज तुम्हें सारे आंसर मालूम थे। जब तुम्हें मालूम होते हैं तब भी ठीक है, जब तुम चांस लेते हो तब भी ठीक है। बी पाकिस्तान इज द राइट आंसर। वेल डन। Pakistan is located to the north of Tropic of Cancer between latitudes 24 degrees and 37 degrees north. Tropic of Cancer lies at approximately 23.5 degrees north of the equator. So, ye bhi knowledge tumko maine de di. Check jaldi se sign karta hu tumhare liye 12,50,000 rupaye ka. Very well done, Rakshit. Aur bhi khelte rahenge tumhare saath. Lekin first comes the check. Iske baad thodi si aur mithai. इसको हाथ लगाओ, हम दोनों बैठकर थोड़ी सी मिठाई खाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, होली का त्योहार है, जल्दी से वापस आ जाइए क्योंकि हम आपका यहां पर इंतजार कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक।